तू फिकर ना कर, तेरी राह में हम जान भी लुटा देंगे। तू फिकर ना कर, तेरी राह में हम जान भी लुटा देंगे। कैंडल नहीं, इस रस्सी से उन दरिंदों को फांसी पर लटका देंगे। इस सपोर्ट एसडीएम कार्यालय में, थाने में, कलेक्ट्री में, एसपी साहब के पास में, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः उनकी मौत हो गई, उन्हें मार दिया गया सरेआम। बकायदा वीडियो भी है, उसको वायरल हुआ कि बच्चे के साथ जो गलत हुआ उसमें हमें उसे रोकने में हम असमर्थ थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी एकता को दिखा करके प्रशासन से हमसे न्याय संगत हमारी मांग है। आपने कहा प्रशासन ने जो आश्वासन दिया 24 घंटे का, 24 घंटे के भीतर प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन से हमारी कोई शिकायत नहीं है। प्रशासन अपनी कार्यवाही करे, हम पूरा सम्मान करेंगे, पूरा साथ देंगे, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का हम पूरा साथ देंगे। जो कि अभी एक सूचना मिली कि शाहपुरा से जो पुलिस की जो टीम आई थी उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत एक जो घटना है बहुत चुभी वो भी, तो हम तो उसके लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ में घटना घटी और हम लोग कोई दूसरे नहीं लेके बैठे रहे। तब जाके अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पे आकर के और काफी मतलब उस प्रशासन की छाती पे बैठे रहे ना, तब जाके वो जमीन का जो अतिक्रमण है प्रशासन ने हटाया, अपराधी गिरफ्तार हुए। उससे पहले प्रशासन माटी पलट करने वाले काम कर रहा था। और बता दीजिए राजस्थान में कितने मुद्दे हैं जिसमें हमारे अधिकतर जो हमारे बहुजन जो वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनको न्याय मिल रहा है। अधिकतर पीड़ित वर्ग ही होता जा रहा है, वो न्याय के लिए तरस रहा है, तड़ तक भटक रहा है। आज हमारा दर्द जीत गया है यहाँ पे। हमारा किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज छोड़ना या कि आपकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अरे सर आंखों पर आप करना, ये बाहर से आए हो भी आए इल्ला नहीं करेंगे, ये शांति के लिए खुद कह रहे हैं, शांति बनाए रखो। बेटो के लिए